बारिश होने पर गंदगी धुलकर बह जाती है और नई रोशनी के साथ नई उमंग जाग उठती है, उसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के सामने गुनाह और फरेब का खेल खत्म हो जाता है। बारिश ने नाक में दम कर दिया, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और गोपाल का क्या होगा? गोपाल कोई अनाड़ी नहीं है, वो पुलिस को चकमा देके जरूर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हेलो 234 234, हाँ मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ, 1 2 3, हाँ आप बोलिए, वो बाकी माल का क्या होगा? जल्दी भेजने की कोशिश कीजिएगा। कलुआ बातें क्या करता, पंचर बना ना, लारी 3 बजे भेजती है। बना तो रहा हूँ भैया, बनाता हूँ ना, मगर लट्टू भैया एक बात पूछू, तुम तो इतना सिगरेट पीता है फिर भी टायर की तरह फूलता ही जाता है, बात क्या है? तो तेरे बाप का क्या जाता है, फूलता मैं हूँ, तकलीफ तुम्हें होती है? ऐसा कह रहे पंचर बना, वाह कमली वाह, बस मजा आ गया, कसम है डाजगारी के इंजन की, भगवान ने तुम्हें ओवर टाइम करके बनाया है। हेडलाइट ऑन करो, बॉस आ रहा है। अरे मत, बॉस आ रहा है, जाओ बॉस। सलाम बाप। हेलो लट्टू, कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा, काम काज ठीक हो रहा है? फर्स्ट क्लास। मैं जाता हूँ बाप। चलो मैं भी अभी आता हूँ। अच्छा हाँ मिलेगा मिलेगा, काम करो काम करो। देखा मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ मास्टर, 5 में सही करी, 3 रुपए कैसे ले लूं, घर कैसे चलेगा? हम क्या करें, हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा। वाह काम करो पूरा और पैसा लो अधूरा, कहाँ का कायदा है?
यहाँ मेरा कायदा चलता है, इसको काम करना करे वरना छोड़कर चला जाए। ये तो अच्छी जबरदस्ती रही, जबरदस्ती धरी रह जाएगी। छोड़ दो काम, निकल जाओ लाइन से। काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे बॉस की ऐसी नौकरी करने से तो भूखो रहना अच्छा। तुम तो कहोगे ही, तुम्हें क्या फिक्र, मुंह में सिगरेट हाथ में कबूतर मौज करते फिरते हो। हमारी तरह काम करो तब पता चले मेरे यार। काम करूं तुम लोगों के साथ? छू करते हो, पर जिस पैसे पर मत बने हुए हो वो पैसा हमारी ही तरह यही काम करके तुम्हारा गोपाल दादा कमाता है। जबरदार दादा का नाम लिया तो शंकर क्या है? खुद तो काम करता नहीं और दूसरे को भड़काता फिरता है। हाँ, हाँ, बात कह दी तो मरते लगे मेरे यार को। मरते लग गई बड़ा दादा बड़ा फिरता है। याद रख, भाग यहाँ से, चल। कोई बात है? एक तो हमें काम करना नहीं, ऊपर से दादागिरी करे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में ना सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। Thank you.
खाना वाना खाया कि नहीं? तुम्हारे बगैर कैसे खाता? अच्छा अच्छा जा, जल्दी जल्दी खाना ले, अभी जाता हूँ, चल अपन दोनों खाते। कमाल है ताला, एक तो 5 रोज के बाद लौटे हो और फिर लौटे हो तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। ऐसा भी भला क्या काम, नौकरी तो दुनिया करती है पर तुम्हारा तो धर्रा ही निराला है। तूने अपने कबूतरों को दाना वाना दिया? मेरी बात का जवाब तो दो, बात क्यों टाल गए? रामू, तेरे जैसे भाई बिरलो के ही होते होंगे, बिल्कुल बच्चों जैसा भोला भाला, मन में कोई पाप नहीं, कोई मैल नहीं। काश मैं तुझे लिखा पढ़ा कर एक शानदार आदमी बना सकता, लेकिन ये तो सब किस्मत से होता है। खैर, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे दुख और पाप की छाया भी न छू सके। मैं देखता हूँ। गोपाल, क्या है? गोपाल से कहो बॉस ने बुलाया अभी इसी दम। दादा खाना खा रहा है। बॉस के काम के लिए खाना तो क्या, उसके नौकर को मौत से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे जरा ठहरो, वाकई मैं खाना खा चुका, अभी आता हूँ। ऐसा भी क्या काम, खाना छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारा बॉस क्या भगवान है? तबे तो बॉस को बुरा भला कहने वाला कौन होता है? अबे तबे की तो खोपड़ी का तबेला बना दूंगा, उल्लू कहीं का। क्या रास्ता है? दोस्त है बेटा, बनते हैं दोस्त, काम करते हैं दुश्मनों का। ऐसा ही होगा। क्या होगा? गोपाल। यस बॉस। तुम्हें घर जाने से पहले यहाँ आना चाहिए था। यस बॉस। और तुम नहीं आए, लाखों रुपए का माल छोड़कर भाग गए पुलिस के डर से। क्यों, जवाब दो। जान का खतरा था बॉस। और अब नहीं है? तुम तो जानते हो कि मेरा कोई काम खतरे से खाली नहीं होता, इसीलिए तुम्हें वक्त से पहले तनख्वाह मिलती है और नफे में हिस्सा भी। क्या कहा? तनख्वाह और हिस्से के मुकाबले में जान की कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं, यही 10-20 रुपए। हमारी जान की कीमत सिर्फ 10-20 रुपए? क्योंकि हम आपके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आप हमसे गैर कानूनी काम कराते हैं, इसलिए कि हम अनपढ़, गंवार और बेवकूफ हैं। भूखे पेट में रोटी के 2 टुकड़े डालते हो और मशीन की तरह चाहे जिधर घुमा देते हो। हमारी बेबसी का नाजायज फायदा उठाते भी है आपको। मैं छोटे आदमी के मुंह से बड़ी बात सुनने का आदी नहीं हूँ गोपाल। ये आप क्यों भूलते हैं कि हम ही छोटे आदमियों ने आपको बड़ा बनाया है, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन बात को सिर्फ उल्टे तरीके से तुमने कहा है गोपाल। नुकसान की वजह से मैं तुम्हारे साथ नाराज नहीं हूं, व्यापार में नफा और नुकसान तो हुआ ही करता है। मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था कि आइंदा के लिए जरा ख्याल रखना। बॉस मैं कितनी मुद्दत हो गई है मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मैं हर काम करने वाले को अपना भाई समझता हूं, दोस्त समझता हूं। मैं जानता हूं बॉस, मगर आज जोश आ गया था गोपाल। कभी कभी ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, ये लो रुपए। रुपए? रुपए की तो मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे भाई को होगी। गोपाल, तुम्हारे जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है, ले लो। थैंक यू बॉस। हरिया। यस बॉस। गोपाल गया। यस बॉस। मोहन मेरे साथ आ। बता गोपाल दादा कहाँ है? ओहो गोपाल दादा आते होंगे, इतनी क्या तुझे फिक्र लगी गोपाल दादा की? अबे हम तेरे ही दादा नहीं हैं, मोहल्ले के भी दादा हैं। हमारे होते हुए तुझे क्या फिक्र है, बस चल आ जा।
बताओ दादा तुम्हें किसने मारा है? नहीं कह सकता दादा, वो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं दादा तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। किसने मारा? दादा कौन दादा? गोपाल दादा मेरा भाई, उसका खून किया गया है। खून? तुम लोग जा सकते हो। मैंने तो सुना है कि गोपाल ट्रेन से कुछ एक्सीडेंट। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब दादा ने मुझे बता दिया था कि उसका खूनी एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। नाम बताया उसने? यही अगर मालूम होता तो मैं उसका गला नहीं घोंट देता। रामू तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, जो होना था सो हो गया। मुझे भी गोपाल की मौत का बड़ा अफसोस है। अफसोस है? अगर अफसोस होता तो नाच रंग की ये महफिल जमी होती। तुम लोगों ने गोपाल दादा से क्या क्या काम नहीं करवाए, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर उसे क्या मिला? मौत। तुम अमीर लोग हर चीज को खरीद लेना जानते हो। तुम्हारे लिए आदमी की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हारी नियत साफ होती तो आज दादा का खून मिट्टी में मिलकर सूखने से पहले तुम। रामू मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैं अपने साथ काम करने वालों को नौकर नहीं समझता, बल्कि अपना दोस्त समझता हूँ। दिल को मजबूत करो रामू, मुझे गोपाल की जगह समझो, समझे ना रामू? ये लो 2000 रुपया। नहीं चाहिए, गोपाल दादा के खून में भीगे हुए रुपए मुझे नहीं चाहिए। अभी तुम गुस्से में हो, दिल को तसल्ली दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अब जो कुछ करना मैं खुद करूंगा। और सुन लो, मैं अपने भाई के खून का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। जी हाँ रामू, मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, जान सभी तेरा दोस्त। उसे कहो कि मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश ना करे, वरना गोपाल की तरह उसे भी रास्ते से हटा दूंगा। हाँ आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बॉस, वो गोपाल दादा ये हमारी तरह आपका नौकर नहीं है, और फिर वो तो बहुत सीधा और शरीफ लड़का है, आपको उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे कहो। सुनो और ये रुपये ले जाओ। आप तो जानते हैं कि वो आपका रुपया नहीं लेगा, मैं समझा दूंगा।
रामू हो रामू कौन मोहन फिर आपको उदास क्यों खड़ा है ले सिगरेट पी नहीं यार अरे यार भाई अपना पुराना प्रोग्राम 50-50 अच्छा ना 50-50 आज तू बॉस क्या क्यों गया था यार मत जाया कर वहां बहुत बुरी जगह जहां भी दादा के खूनी का पता चले वहीं जाऊंगा हाँ ये बात तो ठीक है मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि बुरी जगह आदमी जा बुरी चीजें सीखता है जैसे हम माँ बाप ने शहर में भेजा था कि लड़का पढ़ लिख लेगा यहाँ के लोफर लफंगों के सोबत में ये हालत हो गई है वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारे मोहनलाल जी बड़ा भला काम कर रहे हैं मगर उनको क्या मालूम कि तू नहीं समझेगा यार एकदम नहीं समझेगा खैर बाबा की चिट्ठी आई गांव से जरा पढ़ ले लेकिन मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता अरे रे रे यही तो भूल जाता हूँ यार खैर कोई बात नहीं है क्या है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है कर्जदारों ने अलग नाक में दम कर रखा है 500 रुपए मंगाए हैं और लिखा है कि आखिरी वक्त सूरत देखने के लिए आ जाओ तो फिर जाते क्या अरे यार जाने को तो मैं अभी अभी चला जाऊं मैं मगर यहाँ बहुत जरूरी काम पड़े हैं रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता है 5-7 हजार का मामला है पैसा 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 तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था अरे यार माँ बाप का प्यार बचपने तक बड़ा होने के बाद तो माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब सब पैसा तू नहीं समझेगा ये बात एक काम कर रहे यार क्या गाँव चला जा क्यों अरे बाबा जाके 500 रुपया भी दिया ना उनकी जरा हालत भी देख लेना बाबू तुम में से किसी को मोहन के बाप का घर मालूम है यहाँ तो बहुत से मोहन है उनके बाप का नाम बताओ बाप का नाम तो मालूम नहीं तो अपना ही नाम बता दो अच्छा तुम्हारे बाप का ए जबान संभाल के बात करो ये शहर नहीं गांव है अरे चल चल कभी आईने में मुंह देखा है चुप जल जाए ना जबान हुजूर की
मसूर की, गेहूं और दाल मसूर की। कुछ नहीं दादा, मैं जरा ऐसे गांव का मजा चखा रही थी, लेकिन इसने मुझे शहर का मजा चखा दिया। तो बाबू आप शहर से आए हैं? हाँ शहर से आया। क्यों? मोहन के बाप का घर ढूंढ रहा हूँ, मगर गांव क्या है एकदम फालतू। अगर मोहन के बाप से रुपए पैसे का काम नहीं होता तो भी शहर लौट जाता। तो आपको मोहन के बाप के घर जाना है? आइए मैं बताता हूँ। अच्छा मैं अपना बैग ले लूँ। ले लीजिए। क्या हो रहा है मोहन की माँ? बोलो। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मेरी जबान सूखी जा रही है। क्या बाबा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई माँ? सो तुझे क्या, तुझे तो घर की जरा भी फिक्र नहीं। अब क्या होगा भगवान? माँ भगवान कुछ करने वाला नहीं है, तुम जाके बाबा के पास बैठ जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगी। हाँ जाओ। साल भर बाद लौटेंगे, सब काशी गए हैं, साल भर बाद लौटेंगे। अरे कोई आए? अरे कोई आए? कहाँ चले गए ये लोग? ये क्या लिखा है? मोहन लाल के पिता गिरधारी लाल का मकान, यही लिखा होगा और क्या हो सकता है, इतना तो पढ़ ही सकता हूँ। चल बैच बेटा रामू, कहीं पड़ोस में गए होंगे, अभी आ जाएंगे। अपने शहर वालों से अच्छे दिखते हो। आप मेरे की है? सुनती है कि नहीं? सुने कौन, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला नहीं दिखाई देता। ला चाबी। चाबी अभी नहीं है, अपना रास्ता नापो। सीधी तरह नहीं देगी तो तोड़ दूंगा ताला। हा? जो मेरा ताला तोड़ेगा उसकी आंखें ना फोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलवाना अपने ससुराल में जाकर। हा?
को बुलाओ। यहाँ कोई नहीं है, सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो हवालदार को बुला के अभी हथकड़ियाँ पहनवा दूंगी। मैंने कहा हथकड़ियाँ और चूड़ियाँ में बहुत फर्क होता है। क्या बात है, उनके बाबा यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते। अरे तो चुप ही रहे, रुपए पैसों की बात जो है ना। कैसा रुपया माँ? कोई रुपए पैसे की बात नहीं, जिस आदमी ने ताले तोड़ के मेरी बेइज्जती की है उसे इसी दम पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे तो क्यों पट्टी पट्टी पर कर रही है? देखो भैया, मोहन के पिता बहुत बीमार हैं। इस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम कर्ज अदा कर सकें। क्यों सफाई देती है किसी अरे गरे नथु खैरे को माँ? मैं डैम हो गया हूँ। मैं शहर से आया हूँ और मोहन का दोस्त हूँ। उसने आपके लिए 500 रुपए भेजे, लीजिए। सुनो 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 बेटा, मैं समझी तुम शाहूकार के आदमी हो। आओ बैठो बैठो। अब मोहन कैसा है? मजे में। ये मोहन की बहन। उतार दो ना। उतार तो दूं, लेकिन रखने की जगह पर तो टोपी पहन रखी है। क्या? ये कर्जा मेरे जान रुके क्या कह रहे? मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ। मोहन की माँ, चंदा कहाँ है? यू चंदा, चंदा पापा, तुम आ गई बेटा। गांव वालों को बुलाओ चंदा, ताकि वो भी देख ले कि अब मैं खुशी खुशी मरूंगा। अब तो किस बात का? कौन मोहन? कौन मोहन? मोहन आ गए बेटा। शाबाश शाबाश बेटा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बेटा। एक चिंता ना, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए, मुझे वचन दो बेटा, मुझे वचन दो। बोलो, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए हैं। कमाल है, वहाँ बेटा दौलत पाने के लिए मर रहा है और यहाँ बाप दौलत पाकर मर रहा है। मारी दुनिया। शहर जा रहा हूं, जाते मोहन को भेज दूंगा। उसे भेज के क्या करना? अब हमारा इस गांव में रहा ही क्या है? हम तो सोचते थे तुम्हारे ही साथ चले चले। मेरे साथ चलोगे? तुम लोग शहर चलोगे? ना 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 ना, वहां रहोगे कहां? क्यों, तुम हो, मोहन है। लेकिन हम लोग तो एकदम रद्दी जगह में रहते हैं। कैसी बात करते हो बेटा, जहाँ तुम और मोहन रहो वो जगह रद्दी कैसे हो सकती है? अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमारे भी हाथ पैर हैं, हम आप चले चलेंगे माँ। जिस किसी के बाप ने रेलगाड़ी खरीदी हो वो रख ले अपनी जेब। अरे तो चुप ही रहे। क्यों चुप रहूं? बाबा ने काहे को किसी से वचन लिया था? ओहो, वचन दिया था तो मोहन को खबर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। गुस्सा न करो बेटा, तुम ही सोचो ना, हम माँ बेटी अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? हमें मोहन के पास पहुँचा दो बस, और कोई तकलीफ नहीं देंगी। अच्छी बात है, लेकिन अपनी इस गवार लड़की से कह दो कि मुझसे 3 हाथ दूर रहे। कान खोल कर सुनो, मैं तुमसे 3 नहीं 30 हाथ दूर रहना चाहती हूँ, समझे? बड़े आए शहर से। अरे चली कहाँ? जाओ तैयार हो जाओ। चल चल चल, जल्दी तैयार, सामान बांध। करें ताला बंद। अभी तोड़ता हूँ। अरे
मालूम होता है। मेरा पेशा तो सर तोड़ना है, नमूना दिखाऊं? दिखाना है तो अपना सर तोड़ के दिखा, जो भूसा भर रखा है वो तो निकलेगा। अरे तुम बकबक करती है, इतना अच्छा मकान है। माँ देखो भैया की तस्वीर, कितने अच्छे लगते हैं भैया। हाँ बहुत अच्छे हैं। रामू जरा मोहन को तो देखो कहाँ है। ऑफिस में होगा, अभी देखता हूँ जाकर, और जब तक मैं ना लौटूं इस लड़की को बाहर मत निकलने देना वरना बैठ जाएगी। जो जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है। समझा समझा। यार बड़े लंबे दिनों के बाद दिखाई दिए, इधर आओ जरा जल्दी में। कपूर के बाद कबूतरों की नहीं जोड़ी आई है क्या? नहीं मोहन को बुलाने जा रहा हूँ। मोहन को? क्या बात है भाई, हंसने की बात यह है कि मोहन आजकल सरकारी धर्मशाला का मेहमान हो गया है। खाना मुफ्त है, रहना मुफ्त है, कपड़ा मुफ्त है, सब मुफ्त है। क्या मतलब? नहीं समझे? अरे वो तो जेल चला गया। जेल? जेल? तुम्हारी फिक्र में वो जेल चला गया। जेल चला गया? मोहन कौन है बे? अरे रामू, अरे तू, मुझे पहले ही मालूम था तुम कोई ना कोई बुरा काम करते हो, आ गए ना जेल में। अबे ये तो सरकार की मोहब्बत यहाँ खेच लाई, ये तुम कैसे वापस आ गए इतनी जल्दी वहां से? मोहन तुम्हारे बाप चल बसे हैं। तो गोया उनकी बदली हो गई इस दुनिया से उस दुनिया में। मजाक छोड़ मोहन, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारी सूरत देखने को यहाँ आई, और साथ में तुम्हारी वो अगली बहन। ओह, अरे मगर तूने उनसे कहीं ये तो नहीं कह दिया कि मैं इस हवेली में बैठा हूँ? मैंने तो नहीं कहा, पर पता तो चली जाएगा। मगर रामू माँ से ये सदमा नहीं बर्दाश्त होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है काम कर रामू, तू उनसे ये कह देना कि मैं थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर चला गया हूँ और वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं वापस ना आऊं रामू उनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। नहीं मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता भैया, अपने सर का दर्द मुझ पर मत छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब आप मोहन को छोड़ दीजिए। क्या? आप मोहन को छोड़ दीजिए, उसकी जगह मैं अंदर हुआ जाता हूँ। क्या बच्चों जैसी बात करते हो? देख तू मेरा दोस्त है ना, मेरे लिए इतना सा काम नहीं करेगा क्या? यही कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं उन लोगों की जिम्मेदारी तुझ पर रहेगी रामू, और सच कहता हूं कि अगर जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा हो जाएगा, इंस्पेक्टर साहब रहने दीजिए। चले आओ अंदर। हाँ अपना राजमहल, अच्छा या बुरा? राजमहल गांव में तो बैलों के तबेले इससे अच्छे होते। तुझे कोई कंधे पे उठा के नहीं लाया गांव से? वो है रास्ता वापस जाना हो तो? अगर भैया होते तो कौन आता है इस तबेले में? अरे तू चुप भी रहे, मुझे तो ये मकान पसंद है बेटा। हाँ। घर की शोभा तो घर में रहने वालों से होती है। हाँ। सीटी पे जाने वाला हाँ? क्या झांकता है अंदर? नहीं रामू भैया, झांकता क्या? नहीं नहीं मैं जरा देख लिया था कि वो तुम्हारे यहाँ कौन कौन से मेहमान लोग आए ले। तो फिर आंख खोल के देख ले अपनी माँ बहन को, पाजी कहीं का, और फिर यहाँ चक्कर लगाया तो तैमूर लंग बना के भेज दूंगा। चल बदमाश कहीं देख लिया माँ, अब तुम ही बताओ कैसे गुजारा होगा तुम्हारे ऐसे लोगों की बस्ती में। अरे बेटा ये दुनिया है और दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं, किस किस की बात पे ध्यान दोगे? मेरी बात करनी है, गांठ बांध के रख लो। कहो। यहाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम लोग मोहन की माँ और बहन हो। सो क्यों? कह दिया ना, और बहुत मीन मेक मत निकाला करो मेरी बातों में। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये हुक्म क्यों निकाला गया है? बात ये है माँ,
उसके भैया बड़ा आदमी है ना, उसकी माँ बहन ऐसी गंदी जगह में रहती है, पता चलेगा तो भी हो जाएगी भैया की। अरे तेरे भैया की नहीं मेरी बदनामी होगी, बड़ी आई भैया वाली। चल बेटा कबूतर कहाँ है मेरे? वो तो उड़े भैया सबके साथ उड़े, लेकिन अभी तुमको कबूतर की क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो नई कबूतर नहीं लाएगी, उसका क्या होएगा? जबान बहुत चलने लग गई है तुम्हारे, बताओ कबूतर कहाँ मेरा घर से आते हो? अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन आई है? रिश्तेदार है तेरी? हाँ? अरे शर्माता है बेचारा, मैं बताऊँ वो जो जवान है ना जवान, वो है दीदी, और जो बूढ़ी है वो है सास, माँ है तेरी माँ, समझा नहीं? और सुन लो दस की गिनती गिनता हूँ, कबूतर नहीं मिले तो भुट्टा बना दूंगा सबका। अरे रामू भैया ऐसा भी क्या, आस पड़ोस में कोई नहीं था जो गांव जाके शादी की? अगर मालूम होता शादी करने गांव जा रहे हो तो हम सब मिलके जाओगे? जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोकूंगी। आठ गिनती चालू है। रामू भैया एक तो मेरे पास मालूम नहीं किस तरह आ गया। रामू भैया पेगी की मेरे कुत्ते की कसम, दो मेरे पास कैसे है मेरे को मालूम नहीं, सच्ची बोलता हूँ। ये ना जाने किधर से चला गया। रामू भैया आपने तो दोस्ती निभाया, अगर यहाँ होते तो कोई चोरी करके ले जाता, मैं घर ले गया। जा 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 दाने पानी का तू जगह। माँ वो ऊपर आने भी देता है किसी को? कबूतर क्या पाल रखे है, नवाब समझता है अपने आप को, अब जाती है या नहीं? अच्छा अच्छा जाती हूँ, बिल्ली कहीं की। कौन है? कौन है? क्या तूफान मचा रखा है? ये भी कोई सोने का वक्त है? तू हुक्म चलाने वाली कौन होती है? हा? सब कोई बोलो क्या करते हो? देख ज्यादा गड़बड़ की तो नाक खींच लूंगा तेरी। और मेरे हाथ भी बस मेहंदी लगाने को ही नहीं है चंद्रा, फिर बकवास करने लगी। अब तुम ही बताओ माँ, तय हुआ था ना कि ये मुझसे तीन हाथ दूर रहेगी? ए मैं आपके बात करो, मैं तुमसे तीन नहीं साढ़े तीन हाथ दूर हूँ, तो चल हट अपना काम कर जा बेटा। ओ तो झटपट चाय पी ले और बाजार जाकर सौदा ले आ। सौदा क्यों, खाना नहीं बनेगा क्या? भूख लगी है तो बनाओ। पर बनाओ क्या, आटा दाल चावल? घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दुकानें सब मालूम है, पैसा तो ला दूंगा। पैसे तो? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ओ अच्छा ठहरो मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। कैसे लोगों से पाला पड़ा है, मेहमानदारी करना भी नहीं जानते। ये मुंह और मसूर की दाल, तू और मेहमान। हेलो बेटा कैसे बोल, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे इसके ब्याह के लिए रखे थे, खैर मोहन आएगा तो फिर बन जाएंगे। इससे कौन ब्याह करेगा? तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम अपनी फिक्र करो। अरे चुप रहे ना, क्यों टिपे टिपे करती रहती है? जाओ बेटा सब चीजें ध्यान से लेते आना, और पैसे बच जाए तो इसके लिए एक आध कपड़ा लेते आना, देखो ना कैसे फिरती रहती है। ले आओ। आओ बहन, क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। मेरा नाम शीला है, मैं उस घर में रहती। रख दो बाल्टी, ज्यादा देर ठहरोगी तो लोग देखेंगे। देखे हमें क्या, नजर लग जाएगी। लगेगी तो उतार के फेंक दूंगी। मैं तो खुलस रहे। अरे पलट, अबे तेरो के जाऊं पत्ता पलट। तीन बेगम, तीन
मगर इधर तो दो चार है, तीसरी वो देख है? जुल्फ है दोष पे या सांप है बल खाया हुआ, चाल जैसे मोर कोई रक्स में आया हुआ। ए दिल के दुश्मन है ये आँखों के गुलाबी डोरे, बच के जाएगा कहाँ चोट कोई खाया हुआ। एक नजर में दिल ले जाए, एक नजर में दिल ले जाए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो, देख जिसे चंदा शर्माए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो। एक एक अख तेरी पूरे सवा लख दी है, ओ जिंदगी साड़ी तेरे अगे फकत कख दी है, ओ सौंदियां जागदियां होंठों पे नाम है तेरा, ओ सोनियो तीसरी बार तेरी गली का आज फेरा है, ओ अरे देख के मुंह से निकले हाय, अरे देख के मुंह से निकले हाय, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो, एक नजर में दिल ले जाए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो, देख जिसे चंदा शर्माए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो। तुझे कैस गो चोड़वालाम लाम लाम, काय भोरे तुझे कैस गो चोड़वालाम लाम लाम, मोतिया सार के दांत गो तुझे बांगा रंते बांध, ओ तामड़े तुले तुझे वोंट गो चोड़वा रोजा सार के, बोले तुझे रोजा सार के घर से तुझे दौड़ तानी पीछे हम का केले, तानी पीछे हम का केले, एक नजर में दिल ले जाए, एक नजर में ले जाए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो, एक नजर में दिल ले जाए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो, देख जिसे चंदा शर्माए, सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो। हरे हरे
डिब्बा चलत है चुमक चुमक सही था सही सही था सही 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 बात चलत है चुमक चुमक जुमको पी वृंदावन की जो देखत सो शुद्ध बुध भूलत पलछिन में तन मन की ये दो नैना मद के प्याले केश ये घूंघर वाले अरे रूपदास आया है लेके अभिलाषा दर्शन की होई अंग अंग विजय लहराए अंग अंग बिजली लहराए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक नजर में दिल ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो देख दे चंदा शर्माए सूरत हो ये रहा मेरा नाम तेरी हिम्मत ये तो सारी बेइज्जती है अरे हो अपना ने तुम भी कहीं के एक के दो मुंह कर दूंगी समझे बोले मराना तो ठीक से रहे समझा हमारा अंदर खरीदा नहीं तो रहना दुश्वार कर दूंगा ये मेरे हाथ छोटे कमीने लड़कियों को हमारे के बात कर रहे रफू चक्कर हो जा वाला झूमर बना लू ना क्या बात है चल दे देख लूंगा इसे बदमाश तू यहाँ क्या करने आई थी हाथ छोड़ दो मेरा और तीन हाथ दूर से बात करो समझे बहुत चढ़ गई है सर पर आप आई थी आप चली जाऊंगी तू चल तो सही चली जाओ यार रख ले माँ से क्या कहती थी बोलना यही कि तुम अच्छे आदमी हो और तू क्या कहती मैं क्या कहूँ जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूंगी वो कहूंगी पर कुछ नहीं कह पाती बस झगड़ा शुरू करती हूँ बस बिल्कुल यही हाल मेरा होता है बहुत कुछ सोचता हूँ चंदा लेकिन कुछ कह नहीं पाता कोई बात बिना कहे सुने भी समझ में आ जाती है कौन सी बात तुम नहीं जानते मैं तो बस इतना जानता हूँ चंदा की मेरी रेलगाड़ी ने पकड़ी है अब कौन सी पछड़ी पे चल रही है मुझे क्या पूछती है सिग्नल तो तू है चल दे सिग्नल और मैं चलूं Thank you.
की वादियों से हो दूर एक बसेरा, शाम जहां सुहानी रंगीन हो सवेरा। वो कौन सी है दुनिया रास्ता जरा दिखा दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबा सिखा दे, वो बेजुबा सिखा दे। कहते हैं प्यार किसको पंछी जरा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबा सिखा दे, वो बेजुबा सिखा दे। हाँ 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 चलो, डर किस बात का? आवा कौन हो तुम? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, इसलिए आए हैं कि कुछ ऊंच नीच होने से पहले अपना फर्ज पूरा कर दें। क्या हुआ? मैं तो समझी नहीं। फिर कब समझोगी? जब पानी नाक से ऊपर निकल जाएगा तब। पर कुछ कहोगी तो? कहे क्या, देखो जाके छत पर बेशर रही है, गुंडे रामू के साथ नाच गल हो रहा है। ऐसा क्या कहती हो बहन? रामू बेचारा तो लो सुनो, रामू की वकालत कर रही है। अरे रामू को हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, एक नंबर का बना हुआ लड़का है, खुद का घर है ना, उसे किस बात की परवाह है। भाई मर गया लेकिन अकल अभी तक नहीं जाती, न जाने अपने आप को क्या समझता है। रामू को बुरा भला मत कहो, उसका क्या कसूर? मैं अपनी लड़की को समझा दूंगी। अजी तुम समझाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सब यहाँ नहीं कर सकता। हाँ न क्यों करते हो तुम लोग? अगर इतने खुश हो तो हम माँ बेटे गांव चले जाएंगे। चली जाओगी तो क्या हम पे एहसान करोगे? कल जाती हो तो आज क्यों नहीं चली जाती? जब से आई है आपस मचा रखी है। अभी तक तो छत पे कबूतर उड़ा करते थे, अब छोकरी नाचती है। चलो बहन, राम राम, बेशर्माई की भी कोई हद होती है। चोरी हो तो सीना चोरी, अगर तुम कितना है देखो तो सही, हमारी जवान चूहे में जाए, हमें करना क्या है? क्या है? कुछ भी होगा देखो तो सही। क्यों हल्ला मचा रहा है? किसने मुझसे बिना पूछे मेरे घर में चले आए तुम लोग? हाय हाय, आज तुम कहाँ के लाज गवर्नर हो जो खाली पीली आंखें दिखाते हो? जाने कहाँ से घर में लाके डाल रखा है। छोड़ दो इसे, ऐसा उठा भी किस तरह बात करो, सब ऐसे क्या फायदा? तुम लोग कौन होते हो बात करने वाले? मैं कुछ भी करूँ तुमसे क्या मतलब? किसी का दिया नहीं खाता तो किसी से दबके रहूं? बड़े आए एक तो भले आदमियों के मोहल्ले में खुल्ला खुल्ला बेशर्मी, ऊपर से दादागिरी। अरे चुप, दारू के धंधे में छह महीने की जेल काट के आया है और कहता है शरीफ आदमियों का मोहल्ला। रामू, अरे तू आप तीने ऊंची करता है, गिरधर से तेरी मार पीट के हुई थी, इसीलिए ना कि तेरी बहन उसे छुप छुप के मिलती थी। बाबू समझा दे वरना ठीक ना हो रहा है यार। ना वरना बहुत देखा मैंने, और ये बाबू किस मुंह से बात करेगा मेरे सामने, जिसकी वजह से उस बेचारी विधवा को दरिया में डूब के जान देनी पड़ी। हाँ और किस किस की खोल देने पत्रे, बड़े भले बनते हो, अपना तार को छुपाने के लिए दूसरों में कालिक लगाते हो। अरे छोड़ो भैया, आपस नारी में इन सब बातों से क्या फायदा, हम तो इतना ही कह रहे थे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम ही इस तरह एक अनजान लड़की के साथ खुल्लम खुल्ला नाचते गाते फिरोगे तो फिर हमारे लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा तुम भी बोले बुढ़ऊ राम, तुम्हारी बेटी पे किसका असर पड़ा था जब वो गंगू के साथ भाग गई थी? भाग गई थी तो उसने शादी भी उसी के साथ की, और अगर तुम इतनी बड़ी ऊंची नाक वाले बनते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते उसके साथ? जरूरत पड़ी तो मैं भी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों का अरे लोटन तो यहाँ है, आ जा मेरे पास। मुझसे बिना पूछे कहा क्यों जी? क्या कहा? वाह कहते खुद और पूछते मुझसे। वो शादी की बात वो तो ऐसे ही मैंने मैंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कह दी थी। क्या यानी कि तुम मन से नहीं चाहते थे? कैसे चाह सकता हूं,
मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ चंदा। ये मैं जानती हूँ। तू क्या जाने कल की छोकरी चंदा, तू मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से किसी अच्छे पढ़े लिखे पैसे वाले आदमी से करूंगा। मैं गवार गरीब। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मन चाह मर्द मिल जाए तो औरत को और कुछ नहीं चाहिए। औरत जिंदगी में एक ही बार एक ही मर्द को अपना कहती है। लेकिन तूने तूने तो मुझे कभी नहीं कहा चंदा। तुमने सुना नहीं, मन में हजार बार कह चुकी हूँ। अब चाहो तो सामने कह दूँ। जो बात हो नहीं सकती उसे कहने से क्या, ये सब हवाई केले हैं चंदा। तू भूल जाए इन सब बातों को। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बहुत भारी सवाल पूछ बैठी है तू। जवाब दो। मेरा जवाब यही है चंदा कि जो कुछ तेरे मन में है उसे भूल जा। बस मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ और मैं गांव चले जाते हैं। ये क्या धमकी है कि यहाँ रहूंगी तो शादी करो वरना गांव चली जाऊंगी? तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन जहां मोहल्ले वाले अपमान करें, जिसे मैं अपना समझूं वो मुझे गैर समझे, ऐसी जगह में रहना नहीं हो सकता। चंदा, जहां आदमी की कदर नहीं वह रह के करेंगे ही क्या? अरे ठहर तो। ये लो मां, बात तो सुन मेरी। चंदा चंदा, तेरा पति तुझे हुक्म दे रहा है। हुई मां के वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था। फैसा भागता है कहां, शर्माता है लड़कियों की तरह। शर्माना कैसा, तुम दोनों मां बेटी ने अजीब जबरदस्ती लगा रखी है। शादी करो तो रहेंगे, नहीं तो गांव चले जाएंगे। चले जाओ। अरे आप काहे को झूठ मूठ के नखरे दिखाता है? अभी क्या कहा था चंदा से? जब मैं इतनी खुशामदें करती थी तब तो बिल्कुल रूखा जवाब दे दिया, और अब पति हुक्म देता है। अरे वाह, क्या करता, पांव पड़ के रोने लगी, कहने लगी शादी नहीं करोगे तो सर फोड़ के मर जाऊंगी, पूछ के देख लो। झूठ, मैंने कब कहा था ये सब? अरे ये क्या बचपना है, शादी के बाद भी ऐसा ही करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों वोगों की नहीं, बस अपनी परवाह करता हूँ। सब परवाह करना आ जाएगा जब बाल बच्चे हो जाएंगे। बाल बच्चे भी होंगे तो फिर मैं शादी नहीं करता। अरे बाबा बकबक बंद कर, मेरी बात सुन। हाँ। मोहन को खबर कर दे, रुपए लेकर तार की तरह जल्दी चला आए। शादी में रुपए की क्या जरूरत, छह छह पैसे के दो हार खरीद लेंगे, एक वो मुझे पहना देगी एक मैं उसको पहना दूंगा, बस किस्सा खत्म। हाँ? अरे तू तो बिल्कुल ना समझे, मोहन की बहन मेरी बेटी और फिर तेरे जैसा इतना अच्छा लड़का, शादी तो मैं धूमधाम से करूंगी। तो फिर ठीक है। हाँ तो कितने रुपए लग जाएंगे धूमधाम में? जितने भी हो कम है, फिर भी 2000 तो होने चाहिए। 2000? 2000? अरे क्या सोचने लगा, अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे ले चल मोहन के दफ्तर, मैं लाऊंगी वहां से पैसे, मगर शादी धूमधाम से होगी, धूमधाम से। रुपए का इंतजाम हो जाएगा मां, हो जाएगा। रामू बॉस, मुझे
2000 रुपए की जरूरत है। 2000? इससे कम में नहीं चलेगा। तो तुम 5000 ले लो भाई। जी नहीं, मुझे सिर्फ 2000 चाहिए। रामू, तुम जैसा नेक नियत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जी मैं वैसे तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भर आपकी गुलामी कर। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ये कि आप जब भी कभी कोई काम कहें या हुक्म दें तो मैं। भाई की हैसियत से मेरा तुम पे वैसे भी हक है। रामू, शादी मुबारक हो। आपको कैसे मालूम हुआ? अपने आदमियों का ख्याल रखना मैं अपना फर्ज समझता। आओ आओ, जो पहले लो। शादीवादी नहीं होगी, जाओ बाहर चली जाओ। ये दुनिया सब फालतू है, बेकार है। अरे कुछ तो बता देते, क्या हुआ है? जाओ मां। क्या हुआ मां? ना जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया मां, चोट तो नहीं लगी? ये तो कुछ नहीं बेटा, लेकिन जो बात तूने अभी कही वो मेरे दिल में लग गई। मैं क्या कहूं मां, ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा, किसी को मार के फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा ही खून सवार है तो हम दोनों मां बेटी को मार डालो, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। चुप। जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे भी नहीं बताओगे? चंदा तुझे कैसे बताऊं? कुछ नहीं। कौन है? मैं मोहन के दफ्तर से आया हूं। मोहन ने भेजा है? कैसा है वो? इतने दिन से कोई खबर नहीं ली। एक जरूरी काम से बाहर गया है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। आप मुझे मोहन की जगह ही समझिए। ये लीजिए 2000 रुपया, मोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए भेजे। झुक झुक जीवो भैया, बेटे ने मेरी लाज रख ली, अब तो धूमधाम से शादी करूंगी, मोहल्ले वाले भी देखते रह जाएंगे। Thank you.
कहाँ छुपी है और मैं जाने कहाँ कहाँ ढूंढता। अरे इतना लंबा घूम गए। मैंने कहा श्रीमती मिसिज रामू, देवी जी महाराज, क्या सीख रही हो? अच्छा ना बोलो, थक गया उन्हें पांव दबा दे। अब बोली ना। आ बैठ, बैठ जा बाजू में। तीन हाथ दूर। अच्छा अभी तीन हाथ दूर। मैंने कहा घूंघट तोड़ा, इस चंदा की थोड़ी सी चांदनी को इधर भी आने दे। अच्छा जी, कोई देख रहा है? अरे यहाँ कौन है देखने वाला। आए 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 आए, अरे हट, शर्म नहीं आती मियाँ बीवी के मामले में ताक झांक करता है? चल जा अपना काम देख। ए, कितनी जाने वो चक्कू मार। ए, शर्म करो, हमसे ऐसी बातें मत किया करो, कह देती हूँ। फिर झगड़ा? ना बाबा, अब तो कसम खा ली है जो कभी झगड़ा करूँ। बड़ी उस्ताद निकली, तो मुझे फंसाने के लिए झगड़ा किया करती थी। वाह, मैंने तुम्हें फंसाया, तुमने मुझे फंसाया। तू ही पड़ी थी मेरे पीछे, वरना मैं तो एकदम मस्त घूमता था, बेफिक्र बेखबर अपने कबूतरों के साथ मौज करता था। सब घोटाला कर दिया। अच्छा जी, तो शादी होते ही हम कांटा बन गए? ऐसी बात हो तो छोड़ दो, मुझे दे दो तलाक। अरे तो क्या शादी एक ही रोज के लिए होती है? अब जो किया तो निभाऊंगा, मर्द बच्चा हूँ मर्द बच्चा। और अगर मैं छोड़? ज्यादा बात की तो जादू के जोर से कबूतरी बना के दरबे में बंद कर दूंगा। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे, तुमसे, अपने आप से और इस दुनिया से। चंदा, छुपा के रखूंगा तुझे दुनिया से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। भगवान करिए दुनिया ऐसी जहां की तहां रुक जाए और हमें कभी कोई अलग न कर सके। मां नीचे है, देख लेगी। कौन है भाई? आओ रामू, इधर आओ। क्या बात? बॉस तुम्हारा इनकार कर रहा है। बॉस? हाँ। कहाँ है बॉस? इधर है, आ जाओ। शादी मुबारक हो रामू। शुक्रिया। कहीं कैसे आना हुआ? तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कोई भी काम किसी भी वक्त करोगे, याद है? जी, कहा तो था। तो आज ही वो दिन है जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। लेकिन बॉस, आज तो मैं नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी शादी की रात है, लेकिन ये काम तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर सकता। आज जाना नामुमकिन है बॉस। हाँ, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चले जाते तो मेरा काम हो जाता और तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता। बॉस। हाँ हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता। क्या मतलब? मतलब यही, सुनो। ठीक है, आज वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा बॉस। रामू, वो ट्रक खड़ा है, गुड लक। दिख रहे हो कौन है? ओके बॉस। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? भोपाल का भाई रामू है ना, उसी का पता पाकर यहाँ आया। ओ, वो मेरा ट्रक लेकर अभी चला गया। किस तरह? इस तरह। होल्डर, जीप जल्दी।
कैसे बचेगा? मुझे माफ कर दो रामू, मैं बेकसूर हूँ रामू। जैसा मुझे हुक्म मिला वैसा मैंने किया। हुक्म? कैसा हुक्म? बॉस ने मुझे तुम्हें मार डालने के लिए कहा था। दो रोटियों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है रामू, और गोपाल को मार डालने के लिए भी मुझे बॉस ही ने कहा था। गोपाल दादा का फूल हो गया। आ रहा था, उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, उसमें से दो लाशें बरामद हुई हैं, जिनका पहचाना नामुमकिन हो गया है। आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी हाँ, फौरन आ जाइए। कहते हैं प्यार किसको, पंछी जरा बता दे, उड़ना खुली हवा में, ओ बेजुबा सिखा दे, ओ बेजुबा सिखा दे। पुलिस को हम पर शक हो गया। कैसा शक? मेरा मतलब है कि ट्रक भी आपका और रामू भी आपका नौकर। मैं जो कुछ भी करता हूँ खूब सोच समझ कर करता हूँ। ये तो सच है बॉस, रामू को तो आपने इस सफाई से रास्ते से हटाया है कि बस जवाब नहीं। रोज दादा दादा करता था, पहुंच गया ना दादा के पास।
मैं रामू रामू चंदा मैं रामू 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 मैं रामू हूँ रामू 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 चंदा रामू इस तरह क्यों सता है रामू रामू चंदा चलो घर चले माँ तुम्हें देखकर कितनी खुश होगी ये क्या हुआ इतनी बड़ी जान बचाई है चंदा इतना तो खून बहना ही था हा? मेरे सुहाग की निशानी पहुंच डाले से ये नहीं हो सकता जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं तुझे विधवा बन के रहना पड़ेगा इससे तो अच्छा होता कि मुझे जान से ही मार डालते चंदा चंदा मैं बहुत झमेले में हूं जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है देखो मुझे मुझे सब लोग गलत समझ रहे हैं लेकिन मैं एक दिन दिखाऊंगा कि मैं कितना सच्चा हूं मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए चंदा मेरी मदद तुम्हारे एक इशारे पर मैं जान दे दूंगी राम तो सुन चंदा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरा काम पूरा होने तक तुझे ऐसे रहना पड़ेगा और अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा चंदा और तू सचमुच विधवा हो जाएगी ऐसे बुरे बोल मत बोलो तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर जो कहोगे करूंगी लेकिन मुझसे हर रोज मिलना होगा क्या ये हुक्म है तेरा अगर नहीं मानोगे तो हुक्म दूंगी मिलो यही रोज शाम को लेकिन पसंद में जो किसी से मेरे बारे में कुछ कहा तो मां को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए सुना सुना भी और समझा भी जा जा चंदा तो फिर हम तुम पे क्यों मरते हाँ मोहब्बत जैसा घटा काम डॉज गाड़ी के इंजन की कसम हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार अरे 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 दीवाने अबे मरेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा रोक सको तो रोको हमको रोक सको तो रोको हमको हम तो नैना चार करेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जानी डरेगा
नहीं देगा हमको जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हमको जानी हमको जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हमको जानी पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा मानो या न मानो हम तो मानो या न मानो हम तो तुम्हें गले का हार करेगा नहीं डरेगा हम तो जानी प्यार कर प्यार करेगा हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जानी हाय 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 रे अरे वाह 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 कमली कसम है डाज गाड़ी के इंजन की ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे दिल के खटारे की ओर हालिंग कर दी छोड़ो जाने दो मुझे छोड़ दिया कैसे छोड़ू अरे तुमको क्या हुआ हाँ भाई बगैर लाइसेंस की गाड़ी की तरह यहाँ क्यों बैठे हो देखो भाई मोटा भाई हाँ बोलो भाई हम सब काम सबके साथ मिलकर करता पन ये काम अकेले करता ये तो अकेले ही करो भाई अकेले करो पर ये तो मालूम हो कि तुम कौन हो क्या करते हो कहाँ रहते हो और हाँ इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा एकदम इतना सवाल अच्छा भाई यही बताओ कि तुम्हारा नाम क्या लगो भाई मोटा भाई नाम रखने से पहले माँ बाप ऊपर चले गए और जब बड़ा हुआ तो अच्छे लोगों ने मवाली कहा बुरे लोगों ने दादा कहा पुलिस गुनाहगार कहने लगी बाप बेटे लगो भाई बाप को बाप बिड़ला अरे बाप बेटे की ऐसी तसी ये तो बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है ठिकाना पूरा ठिकाना कहा लगा से अब जाता कहाँ भाई ये तो बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है कहाँ रहते हो देखो भाई मोटा भाई आसमान के रजाई जमीन का गद्दा जहाँ बिछौना बिछाया वही ठिकाना और कंटाना हुआ तो पुलिस स्टेशन में रात बिता दी आदमी तो लाजवाब हो कसम है डाज गाड़ी के इंजन की मजा आ गया अच्छा भाई ठिकाना तो बता दिया अब बताओ काम क्या करते हो यही कहीं कैंची कहीं ब्लेड कहीं चाकू कहीं हथौड़ा जो काम कानून के खिलाफ है वो सब कुछ धर्म समझ के करता है वाह 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 क्या धर्म है तुम्हारा आज तुम मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहना अपना भी यही धर्म है प्यारे बात आ गया बात बात क्या हाल है लड़की ठीक है ठीक कैसा काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बॉस एक बात करनी है आपसे हाँ, बोलो बॉस हमारे गांव से मेरा छोटा भाई आया है वो हर काम में बहुत तेज है लेकिन तुम तो जानते हो मुझे भरोसे के आदमी चाहिए हाँ वो भरोसे वाला आदमी है बॉस लेकिन धुनकी में रहता है छोटा भाई आ जाओ ये देखो धुनकी में हर वक्त धुनकी में रहता है हमारे बात सलाम करो सलाम करो सलाम बॉस सलाम हरिया बैठ लो इसे और हरिया से काम सीख ये है छोटा बॉस बॉस का चमचा बड़े बॉस का छोटा बॉस एक बॉस है छोटा बॉस हम रोज शाम को 8 बजे यहाँ से जाना मांगता हाँ भाई काम इससे मिलना मांगता है ये तो मांगता ही ठीक है ठीक है चलो मेरे साथ अरे छोटा भाई नौकरी पक्की तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए कहिए कैसे आना हुआ एक्सीडेंट की तहकीकात से ये शक होता है कि जो दो आदमी मरे हैं उनमें शायद रामू कोई नहीं था रामू कोई नहीं था तो कहां गया खैर इंस्पेक्टर साहब जब भी उसका पता मिलेगा मैं आपको इतला दूंगा बस यही कहने इस वक्त मैं आपके पास आया वैसे तो हम लोग तहकीकात कर ही रहे हैं अच्छा मैं अच्छा आदाब कमली सुना तुमने यही ना कि शायद रामू जिंदा है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? है परेशान होने की बात है मगर हर बात का हल भी होता है उसकी बीवी पर नजर रखी जाए वो जहां भी होगा अपनी बीवी से जरूर मिलने आएगा तुम ठीक कहती हो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो
हरिया। यस बॉस। तुम रामू की बीवी पे नजर रखो, समझे? ओके बॉस। देखो ये मकान है, हैं? जरा ध्यान से, कोई निकले ना पाए। अब बैठ जाओ। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं मालूम होते। सच्ची बात है। चंदा, तुम आ गए? कितनी देर लगा थी? जिस मुसीबत से तेरे पास आया, कितनी उलझने पड़ी, कितने उलट ढेर किए, तू क्या जाने? अच्छा, पहले दिन आने में सर पे पहाड़ आ गिरा। लो मैं चली। अरे चुंबक, इधर तो आ मेरे पास। आप बैठे हैं? अरे चुंबक, देख तेरे लिए क्या लाया। लगा दो। सिगरेट जलाई, बस इतने में गायब। चुप रहो।
चल देखें शायद मंदिर में। भला मंदिर में इस वक्त कहाँ? अरे तुम चल तो सही। आधी रात करके यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। ठीक है ठीक है, चल से आ जाते हैं। बहुत गड़बड़ है चंदा। क्या हुआ? इन बदमाशों को सब कुछ मालूम हो गया है, ये तुम्हारा पीछा भी करने लगे। तू होशियार रहना चंदा, तू जा। जाऊं? हाँ। लेकिन रामू, बहस मत कर, तू जा जा चंदा। चंदा ने अभी तक कहाँ गई? मंदिर गई है भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करने या किसी और के? देखो बहन, विधवा माँ की विधवा बेटी पर झूठा इल्जाम न लगा। इल्जाम हम क्यों लगाएं? हम तो वही कह रहे हैं जो सारा मोहल्ला देख रहा है। बच्चे हमारे भी हैं, हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा किया। चलो बहन, चलो चलो चलो। अरे वो डोंडो, पाना ले पाना। क्या हो गया यार? चलते चलते। ए छोटा भाई कहाँ था तू? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। देखो भाई मोटा भाई, जाती बॉम बम। अरे बॉम कौन मारता यार? टांकी फुल करके आता तो फिर हर चीज बॉम मारती। एक बात, कल के काम का क्या हुआ? काम भी फुल हुआ, टांकी भी फुल की। हाँ ये मोच बात किधर है? ओके बॉस, जहाज आ चुका है। कैप्टन ने कहा है ठीक 8 बजे शाम को पहुंच जाएगा। तो कैप्टन साहब बात पक्की? ओह यस। फिलहाल ये संभालिए। ओह थैंक्स। तो ठीक 8 बजे मैं स्टीमर से सिग्नल दूंगा। आपका सिग्नल पाते ही मेरा लॉन्च वहां पहुंच जाएगा। लेकिन पुलिस का तो डर नहीं? पुलिस? मैं कोई नया खिलाड़ी थोड़ा ही हूं, हर रोज यही काम है। अक्षय, ये कौन है? बॉस सलाम। बॉस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बॉस अपन तुमसे मिलने आया, अपन इधर ही झोंक गया। बॉस थोड़ा पैसा मांगता चाहिए, बोतल इसमें सब घुस जाता, थोड़ा पैसा दो ना बॉस। ये आप क्या काम करता है? बहुत पीता है। बॉस के सामने पीने की बात नहीं करनी। मैं पूछता हूँ तुम इस कमरे में क्यों आए और कैसे आए? इतना बादशाह जैसा बॉस फरियाद लेके आया बॉस, तुम्हारे पास पड़ता कुछ पैसा मांगता से। ये लो, ये द टैनर, रेंदो कैप्टन रेंदो, मैं दे दूंगा। अरे कोई बात, बोतल के लिए काफी है। हाँ चलो कैप्टन। अच्छा बॉस, अच्छा कप्तान दस। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। आज रात को एक लॉन्च के जरिए बिहारी के यहाँ गैर कानूनी माल आने वाला है। इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? अच्छा तुम जाओ। इंस्पेक्टर निर्मल। यस सर। आ गए तुम?
नहीं बोलते? अच्छा ना बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे। आज भूल गया क्या करने के बहाने चोरी चोरी यहाँ आती है? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई? बेशर्म ऊपर से पूछती के पीछे पीछे क्यों आई? मोहल्ले वाले तेरे मुंह पर थूक रहे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, चाहे मुझे मार डालो, मैं नहीं बोलूंगी। बताएगी नहीं? नहीं बताऊंगी। मैंने कहा देखती हूँ अब तो कैसे बाहर जाती है। चल बैठ यहाँ। हमारी हर बात का सुराग पुलिस को कैसे मालूम हो जाता है? क्यों मालूम हो जाता है? क्यों मैं उनको बताता? कसम है को इंजन की, हमने से ऐसा कोई नहीं बॉस, हो सकता है इस मामले में रामू का। रामू हर बात में रामू, हर जगह रामू में हुआ कुछ बात। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो रामू को पकड़ सके? मैं ला सकता हूँ बॉस। तुम उसे जानते हो? एकदम बॉस। बॉस तुम मुझका करेगा क्या? इनाम देगा। इनाम? इनाम तो बॉस तुम मुझको इनाम दो, मैं रामू। सलाम बॉस। क्या हुआ? लॉन्च का ड्राइवर अपने बयान में पुलिस को सब कुछ बता देने वाला है बॉस। अरिया। यस बॉस। उसे शूट कर दो। शूट यानी जान से क्लिक? लेकिन पुलिस की हिरासत में सब कैसे हो सकता बॉस? कर दे, समझता नहीं। पहले उसे जमानत पर छुड़ाओ और फिर उसे गोली मार। बॉस, जगो बाल बच्चे वाला आदमी है, मुझे यकीन है बॉस वो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। उसे मार देना ये आपकी भूल होगी। जबरा मत तुम्हें। बॉस, आज आपने मुझे मारा। हाँ मारा। हमारे आदमियों को हमारे फैसले की इज्जत करनी चाहिए, समझे? तुम जाओ, मैंने जो तुमसे कहा वही करो, जाओ। यस बॉस। गोपाल को मार डाला, विठल की लाश का पता नहीं, मोहन को जेल भिजवा दिया, जग्गू को खत्म कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल में अब मेरा नंबर होगा। तुम्हारा नंबर आने से पहले आपकी बात बिहारी का नंबर आएगा। अब उसको पता लगेगा कि जिस गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी टंकी में आग लग चुकी है। ठीक है आप लट्टू साहब, क्या हुआ? अभी अभी सुन के आ रहा हूँ। हाँ? बॉस को हम लोगों पर शक हो गया है। सब लोग बेकार, जो भी काम तुम्हें सौंपता हूँ सब चौपड़ हो जाता, जो रात की बात करता हूँ सब तो जाहिर हो जाती। चंदा का पता नहीं, रामू का पता नहीं, कहाँ चंदा? यही मुश्किल है बॉस, चंदा को उसकी माँ ने ताले में बंद कर दिया, घर से निकलती नहीं, फिर हम क्या करें? चंदा तो घर से निकलती नहीं, लेकिन रामू कहाँ है? चंदा क्या हुआ? धंगू की माँ? अरे बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? लोग पूछती है कि क्या हुआ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारी बेटी बच्चलन है, और वही हुआ, और अब बच्चे की माँ बनने वाली है। सुना? क्या कहा? बच्चे की माँ? मुझे तो तुम पे तरस आता है, तुम्हें तो कहीं डूब बनने की जगह नहीं रही, अब कैसे मुंह दिखाओगी दुनिया को? हाँ ये हमारे घर का मामला है, हम माँ बेटी निपट लेंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाली? जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। चंदा, ये तुमने क्या किया? चंदा चुड़ैल, बता किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? पाप? बच्चा तेरे पेट में, और पूछ रही है मुझसे? बच्चा? सच?
छोड़ूंगी, जी चाहता है तेरा गला खोल तुझे मार डालू और दुनिया से पाप का नाम निशान मिटा दू। मैं पाप नहीं हूँ माँ, माँ हो के भी तुम माँ का दिल नहीं समझ। माँ कलंक नहीं, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी माँ। तुमने गरीब की इज्जत को मिट्टी में मिला दी, अगर मैं माँ ना होती तो तेरा गला अपने हाथ से घोट देती। चले जा यहाँ से, कहीं जाकर डूब मत, डूब मत, डूब मत। मैंने क्या पाप किया था जो तूने मुझे आज ये दिन दिखा? अब ये काला मुंह लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? जब तक दुनिया को सच्चाई मालूम ना हो जाए मैं नहीं मरूंगी। लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख होता हो मां, तो मैं चली जाऊंगी। मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल निर्दोष थी। बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं चंदा, लानत है मेरे ऐसे मर्द होने पर कि तुम्हें जुल्म से भी नहीं बचा सकता। किसने किया है मुझ पे जुल्म? किस्मत ने जुल्म किया है, समाज ने जुल्म किया है, तुम्हारी माँ ने जुल्म किया है। बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? ये सब तुझे मेरी वजह से हुआ है चंदा। क्या कह रहे हो राम, माँ की मार भी कभी बच्चों को लगती है? मुझे पता नहीं क्या हो गया है। भूल जाओ इन बातों को राम, देखो अब मैं हमारे पास रहूंगी, तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी रामू। तू क्या कह रही है? यही तो खुशखबरी सुनाने आई थी। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? तू बोलती क्यों नहीं रामू? मैं माँ बनने वाली हूँ। तू सच कह रही है चंदा? हाँ राम। बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं दादा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं बदला नहीं ले सकता दादा। चंदा की हालत घबराओ नहीं रामू, मैं सब समझ गया। गोपाल मेरा जिगरी दोस्त था और तुम उसके भाई हो। हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच पूछो तो हम सब बिहारी के खिलाफ हैं। जब तक बिहारी का भांडा नहीं फूटेगा तुम्हारे माथे से कलंक नहीं मिटेगा। तुम भाई का बदला नहीं ले सकोगे। तुम एक जसलाई जलाओ
फिर देखो कि सबके दिलों में जो पेट्रोल भरा हुआ है भरकता है या नहीं। सब काम बिगड़ गया बॉस। क्या हुआ है? आज की कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। तो आज तक गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं? मैं कहता हूँ बॉस, इन्हें जरूर किसी ने भड़काया है। किसी ने भड़काया? यस बॉस। भरिया? यस बॉस। इन सबको निकाल दो। जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। तुम क्या करोगे? अब जो कुछ करना हम करेंगे, क्यों भाई? अरे कैप्टन आज रात को 8 बजे पहली बार यहाँ आ रहा है, उसे लेकर मूनलाइट क्लब में पहुंच जाओ। मैं सब बात वही कर लूंगा, हर बात का फैसला हो जाएगा। और देखो आज का काम बहुत बड़ा काम है, इसमें कोताही नहीं करनी। जाओ जल्दी जाओ। मूनलाइट क्लब, कप्तान, नक्शा, 8 बजे। पेमेंट के बारे में मैं जरा घबराने की कोई बात नहीं, रुपया लेकर मैं हाजिर हूँगा। आप खुद? अच्छा अच्छा। लेकिन मिस्टर बिहारी लाल, ऐसा काम मैं अपना हाथ पैर बचा के करना मांगता है। मैंने सब इंतजाम कर रखा है। ये है मेरा गैराज, इधर से खाली लॉन्च जाएगा, इधर से सोने से भरा हुआ मैं खुद लेकर जाऊंगा और यहाँ से इशारा होगा। अच्छा, समझ गया। कुर्बान या कुर्बान, मिस्टर जान, बाबा खान या लाला रोशनदान। झूम के पे बादल में जो जुल्फे अपनी खोलो, झूम के बरसे बादल में जो जुल्फे अपनी खोलो, दुनिया समझे मोती बरसे मैं जो कुछ भी बोलो, करूं जो एक इशारा झुके जमाना सारा मेरे आगे बिछते जाए दिल वाले नादान। मिस्टर जान या बाबा खान या लाला रोशनदान, जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान। मिस्टर जान या मिस्टर जान या बाबा खान या बाबा खान या मिस्टर जान या मिस्टर जान या लाला रोशनदान। दुनिया क्या क्या भरती है बहरू, मेरी खातिर दुनिया क्या क्या भरती है बहरू, मेरी नजर से पर नहीं छुपता किसी का हाथ ले रू, जरा सी आंख दबाओ तो दुनिया को भरमाओ, एक नजर में बेच के रख दूं मैं सबको इंसान। या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान, मिस्टर जॉन बाबा खान या लाला रोशनदान, मिस्टर जॉन या बाबा खान या बाबा खान या मिस्टर जॉन या लाला रोशनदान।
It's all right. Don't bother. माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जिस मौके का इंतजार कर रहा था वो मौका मुझे मिल गया है। ये नक्शा मेरे हाथ लगा है, ये देखिए। आज रात को सोने से भरा हुआ लॉन्च इस जगह पहुंचेगा। मैं वहां मौजूद रहूंगा और मेरा इशारा पाते ही आप फौरन हमला कर दीजिएगा। मुझ पर भरोसा कीजिए, ये नक्शा सबूत है। अच्छा तुम जाओ, पुलिस अपना फर्ज पूरा करेगी। ठीक है, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज पूरा होगा। बहुत मुश्किल से आप आया रामचंद्र, बस तुझे देखने चला आया, अभी इसी वक्त मुझे वापस आ रहा। ऐसी क्या बात है जो इतनी जल्दी जाओगे? चंदा, या इस पार या उस पार, आज फैसला होकर रहेगा। तू घर जा। घर? हाँ, मैं कल सवेरे सूरज निकलने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। कल नया सवेरा होगा चंदा, नया सवेरा। आज रात मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है। जानते हो राम, इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। अब मुझे इस तरह छुप छुप के नहीं रहना होगा। माँ भी खुशी से फूल उठेगी। अच्छा मैं जाता हूँ। राम, मैं उसी रात की तरह। बिजीरा, भैया मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ कि बॉस वो सब काम अपने हाथ से खुद करना चाहता है। 10-12 लाख का हेर फेर है भैया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। बॉस काम अपने हाथ से करना चाहता है। अच्छा, सारा पैसा खुद हजम करना चाहता है। 10-12 लाख का हेर फेर, इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। को 8 बजे छोड़ना नहीं उसे। ठीक है, जरूर। सलाम बॉस। सलाम। ओ, तुम? जी हाँ, बस आप ही की खातिर जेल से भाग निकला। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि कानून को अपने हाथ में ना लिया करो, फिर तुमने कानून को क्यों तोड़ा? अगर बॉस, कानून हम ही बनाते हैं और हम तोड़ भी सकते हैं। दरअसल बात यह थी कि उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आज बॉस 10-12 लाख का हेर फेर कर रहे हैं। सोचा कि नमक हलाल नौकर हूं, ऐसे मौके पर आपसे दूर कैसे रह सकता था। बस जेल का दरवाजा तोड़ और हाजिर हो गया। लेकिन आज का काम बड़े खतरे का काम है। मगर हमारा तो कोई काम भी खतरे से खाली नहीं बॉस। और फिर जेल में सड़ने से अच्छा तो यह है कि या इस पार या उस पार। मोहन जी, मेरी चैम्बर में मेरा इंतजार करो। जाओ, मैं अभी आता हूं। यस बॉस। बॉस, ये आपने क्या किया? तुम नहीं समझते हरियर, मोहन के लिए कल सुबह का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा। चुकाओ, चुकाओ। मोहन, मोहन तुम फौरन यहां से भाग जाओ, वरना बिहारी तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन बिहारी शायद ये नहीं जानता कि आज उसी का खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है और मेरा इशारा पाते ही बिहारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम बोलते क्यों नहीं मोहन? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, भाई हूं, पहचाना नहीं मुझे मोहन? लेकिन बिहारी के शिकंजे से बचने के लिए सिर्फ फेस बदलना ही काफी नहीं है। तुम मुझे फंसाने और मोहन को बचाने आए थे, अब तुम्हारी खैर नहीं है रामू।
तुमने मुझे आज पहचाना है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। तुमने ही मेरे दादा का खून करवाया और मुझे भी मार डालने की कोशिश की। पहले पुलिस को फोन करो कि जो कुछ तुमने कहा था वो गलत है। चलो, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। मत भूलो कि इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं और तुम्हें खत्म करने के लिए 1 ही काफी। पकड़ो, बोलो बोलो। फोन मत करना रामू। रामू तू घबराना मत, ये शिकार मेरा है। हेलो हेलो, गोली की आवाज। है आपके पास? माचिस नहीं, गोली है तुम्हारे लिए। आपकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। खत्म हो चुकी? लो। काफी होशियार हो रामू। अच्छा ये बताओ कि मेरे रास्ते से हटने की तुम्हें क्या कीमत चाहिए? पुलिस से पूछिएगा। पुलिस से पूछ। अब पुलिस आने में देर नहीं। पुलिस से पहले मैं हाजिर हूं। हैंड अप। बॉस लाल तैयार खड़ी है, आप जाइए। ओके खड़िए, रामू का ख्याल रखना। आप कहना कीजिए। अब तुम मेरे शिकंजे में हो, इधर आओ।
चाचा साहब, ये रहा आपका शिकार। शुक्रिया रामा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कोई खास बात नहीं है। क्या बात है भैया? कुछ भी नहीं माँ, इसमें घबराने की क्या बात है? कौन मोहन? क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो रामो, तुम एक शरीफ आदमी हो, तुमने बिहारी को गिरफ्तार करवाया है, अब तुम जेल से भागे हुए गुनाहगार को छुपाकर खुद एक गुनाह कर रहे हो। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। देखो, अगर तुम मोहन को हमारे हवाले नहीं करते तो हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसने रोका है आपको? अच्छा मोहम्मद, मकान की तलाशी लो। देखिए, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और मैं हाजिर हूँ, तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। मकान की तलाशी भी होगी और तुम गिरफ्तार भी किए जाओगे। मोहन, तुम क्यों चले आए? दोस्ती के नाम पर धब्बा कैसे लगने देता? गिरफ्तार कर लो। हाँ हाँ हाँ, इंस्पेक्टर साहब आप तकलीफ न कीजिए। ये क्या पागलपन है मोहन, माँ के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया? तुम चले जाओगे तो क्या बीतेगी उस पर? कुछ नहीं, मोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये गुनहगार है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। तूने ठीक कहा माँ। माँ, मैंने तुझे कभी सुख नहीं दिया ना माँ, सारी उम्मीदें मैंने मिट्टी में मिला दी। माँ, मेरे बाद रामू को अपना बेटा समझना। माँ, रामू मेरी माँ का ख्याल रखना रामू। हाँ, और अरे तू रो क्यों रही है पगली? आज तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई लड़की नहीं। ये मेरा दोस्त है ना, ये जाहिल, ये बेकार, ये रामू इंसान के रूप में फरिश्ता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ कि भाग कर मैं यहां आ गया। इन लोगों से मिल तो लिया, इनसे मुलाकात तो हो गई, वरना अपना घर तो वही ढाई लाख की हवेली। हाँ, रामू कहाँ है? जरा जल्दी भेजो ना, काम पे जाना है। नाश्ते के लिए नहीं रोकना, हम खुद कर लेंगे वहाँ। अरे उठो, ए, देखो सब लोग बुला रहे हैं, काम पे जाओ। जाता हूँ। आज काम पे नहीं जाऊंगा, आज बहुत अच्छी लग रही है। चंदा, काम पे नहीं जाओगे तो बस बात करना बंद और तीन हाथ दूर। अरे अरे बेमौत मर जाऊंगा, गुस्सा ना कर। जाता हूँ, ले मेरा रुमाल बांध। ना जाऊं तो ये चलेगा? अरे राहुल, अच्छा तो आता हूँ। अरे तुम फिर आ गए? एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। मैं सोचता हूँ वो क्या, वो जो लड़का होगा उसका नाम क्या रखेंगे? ओ, ओ, और अगर लड़की हुई तो?
तो बात बात में गुस्सा करेगी, छुप छुप के मंदिर में जाके अपने प्रेमी से मिलेगी, बिल्कुल तेरी तरह। लड़का हुआ तो सबसे लड़ेगा, सिगरेट बीड़ी पिएगा और कबूतरबाजी में लगा रहेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे हट, मैं उसे पढ़ा लिखा के एक बहुत बड़ा बहादुर ईमानदार बनाऊंगा, सिखाऊंगा बेटा किसी से डरो नहीं, किसी से दबो नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। अच्छा अच्छा, तुम जाते हो या नहीं? जाता हूं। कहा लट्टू कैसे हो? मौज में है। आज नया सा मेरा है, दुनिया बदल गई है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करो देने वाला एक राम, लेने वाले करो देने वाला एक राम। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक दिल का है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।